करते, जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना, और यूपी पुलिस की दो टीमें दिल्ली में मौजूद है इस वक्त। विकास दुबे कर सकता है आत्मसमर्पण, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में विकास कर सकता है आत्मसमर्पण, दिल्ली स्थित कोच के पास बढ़ाई गई है सतर्कता। दिल्ली में आत्मसमर्पण की फिराक में है विकास। यूपी पुलिस की एटीएस दिल्ली पुलिस के संपर्क में लगातार बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल भी लगातार सतर्क है, और इसी के साथ आत्मसमर्पण की बात आ रही है विकास दुबे की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी सतर्क है। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवैस, जिसकी खोज देखिए नेपाल सीमा से लेकर बिहड़ो तक थी, अब हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे सहयोगी से दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त यूपी पुलिस देखिए पूरी तरीके से अलर्ट है, 42 से ज्यादा टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं ढूंढने के लिए। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना हालांकि बताई जा रही है, उसी को लेकर यूपी पुलिस की दो टीमें दिल्ली में ही मौजूद है। लगातार जो एटीएस है वो संपर्क में है दिल्ली पुलिस के। विकास दुबे कर सकता है आत्मसमर्पण, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और दिल्ली में विकास कर सकता है ये आत्मसमर्पण। हालांकि अभी तक विकास को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। दिल्ली स्थित कोच के पास जो सतर्कता है उसको बढ़ा दिया गया है, और अब ये भी खबर आती हुई सूत्रों के हवाले से कि विकास दुबे जो है वो दिल्ली जाकर समर्पण कर सकता है। यूपी पुलिस के एटीएस दिल्ली से लगातार संपर्क में। अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवैस, देखिए तलाश की जा रही थी बॉर्डर से लेकर बिहड़ो तक, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। अब खबर यह आई है कि दिल्ली में आत्मसमर्पण कर सकता है, इसको लेकर कैसे अलर्ट वहां पर पुलिस? जी बिल्कुल, ऐसी आशंका जगह है। वैसे आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पाई, दोबारा आपसे बात जरूर करेंगे, इस खबर पर अपडेट भी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से अगली खबर भी देखिए।